जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, छोटे छोटे दान जो है आपके नौ के नौ ग्रह बलवान कर सकते हैं, क्योंकि दान जो है अपने आप में एक बहुत महान कर्म है। दान से कई सारी चीज़ों को सही की जा सकती है। आपने आमतौर पर ये बात सुनी होगी कि जो दुआओं में असर होता है वो कई बार किसी में नहीं होता है। जब डॉक्टर भी किसी चीज़ के लिए हार जाते हैं तब वो भी यही बात कहते हैं कि आप दुआ करें। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहला एक निवेदन है, पूरा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको दान और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप, और देखिए दान में कोई बड़ा दान नहीं कि जिससे आप सभी चीज़ें सही कर पाएं। दान बिल्कुल छोटे छोटे दान जो आप अफोर्ड कर पाएं, जो आप कर पाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दान जो एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में उत्साह, उमंग और कई सारी चीज़ें दे सकती हैं। दान करने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम दान करें और ये क्या बातें हैं जो जिन चीज़ों को हम समझ पाए। पहली बात, हर एक ग्रह कोई ना कोई वस्तु से रिलेटेड करता है। इस दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे लोहा, तांबा, पीतल, जिसे आमतौर पर सभी को पता है लोहा शनि को डोमिनेट करता है, गेहूँ सूर्य को करता है, तो हर एक वृक्ष, हर एक वस्तु ग्रहों को डोमिनेट करती है। मतलब कोई ना कोई ग्रह उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित होता है और उस ग्रह का उस पर प्रभाव होता है। ठीक है, अब रही बात नौ के नौ ग्रहों में हर ग्रह का अपना कार्य क्षेत्र है और हमें आम भाषाओं में हमें आम तौर पर वो बातें पता नहीं होती कि हम किस चीज़ का दान कर रहे हैं, क्या चीज़ों का दान कर रहे हैं। जैसे आप चावल दान करते हैं तो उससे आपका गुरु जो है बृहस्पति जी वो मजबूत होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दान करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो अब आपको दान किस प्रकार से करना है, किन चीज़ों पर दान आप कर सकते हैं और किस तरह से इसे फॉलो कर सकते हैं। कोई बड़ा दान नहीं करना है। पहली बात है कि आप आपकी छत पर, अभी जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो सकोरा रख सकते हैं और चिड़ियाओं को और इनको पानी आप पिला सकते हैं। ये बिल्कुल, ये भी दान है। दूसरा, थोड़े से अन्न के दाने आप बिखेर सकते हैं अपनी छत पर, अपने आंगन में, ताकि चिड़िया उसे खा सके। तीसरी, कोई गाय आपके मोहल्ले में हो, या गांव में तो आमतौर पर गाय को सेवा की जाती है, लेकिन शहरों में है कोई गाय है वहाँ आप हरा चारा, अभी तो ठीक है अभी नहीं खिला पाएंगे इस महामारी के दौर में, पर जब भी सामान्य हालात हो तब आप उन्हें खिलाएं, उन्हें जल पिलाएं और उनकी जो भी सेवा आपसे हो पाए। बहुत से नंदीगण होते हैं, नंदी की सेवा करें, कुछ भी खिला सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप अपने घर से अफोर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नॉमिनल खर्च भी अगर होगा तो बिल्कुल थोड़ा सा खर्च होगा और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। चौथी बात है कि दान करने में जो धन का आप दान करते हैं वो, उसकी बजाय आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी को धन देने से मुकाबले उसकी जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि धन आने के बाद व्यक्ति की मेंटलिटी चेंज हो जाती है, वो और कहीं खर्च कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि धन देने का प्रेफरेंस कम रखें, धन देने की कोशिश कम करें और कोशिश करें कि आपने जो मदद उनको चाहिए वो जो बताए वो मदद करें। ये भी एक बहुत बड़ा दान है। ये छोटी छोटी घटनाक्रम से हम बहुत बड़े फायदे उठा सकते हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इसे फॉलो किया है, उन्हें फ़ायदा मिला है, आपको भी ज़रूर फायदा मिलेगा। ये कोई बड़ा ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य को करने में आपको बहुत खर्च लगेगा, सामान्य सा खर्च है जिसे आप कर सकते हैं। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर इंक्वायरी नंबर आपको दिया है, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जान सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपकी राय हो कर लिखें। जय श्री महाकाल।